गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी की पुस्तक को कवर करना शुरू करेंगे क्योंकि यूपीएससी का जो बेसिक होता है वो एनसीईआरटी से ही कंप्लीट होता है। एनसीईआरटी रिलेटेड क्वेश्चंस हर साल आते हैं और इसी प्रकार हम पहले उसको क्या करते हैं, एनसीईआरटी की सीरीज कंप्लीट करते जाते हैं और फिर हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देखते जाएंगे। अभी मैंने क्लास सिक्स का जो पुस्तक है इसका नाम है देश और उनके निवासी भाग एक, कक्षा छः की ये किताब है। इसको हम पहला चैप्टर इसका जो है उसको हम कंप्लीट करेंगे। हमारे सौर मंडल में पृथ्वी, इसका कंपाइलेशन हम पढ़ेंगे, क्या क्या चीज़ें इसमें दी हुई हैं। ठीक है, इसमें तारे की डिफिनेशन पहले बताया गया, ऐसे खगोली पिंड जिनकी अपनी उष्मा और प्रकाश है, ठीक है, उसे तारा कहते हैं। ठीक है, ये गैसों से बने होते हैं और इसका आकार बहुत बड़ा होता है और ये बहुत गर्म होता है। सूर्य और क्या ग्रह क्या होते हैं, ग्रह की डिफिनेशन दी है, सूर्य का परिक्रमण करता है, उससे उष्मा और प्रकाश प्राप्त करता है, खुद की उष्मा इसके पास नहीं होती है ग्रह के पास, ये क्या करता है सूर्य की परिक्रमा करता है और उसी से उष्मा और प्रकाश प्राप्त करता है। इसी प्रकार उपग्रह क्या होते हैं, जैसे ग्रह क्या करते हैं सूर्य का चक्कर लगाते हैं, उसी प्रकार उपग्रह क्या करते हैं ग्रह का चक्कर लगाते हैं। और उपग्रह के भी खुद की लाइट नहीं होती है, ना ही उष्मा होती है ना ही प्रकाश होती, ये भी क्या करते हैं, ये भी सूर्य से ही अपनी लाइट और उष्मा को प्राप्त करते हैं। इसके अलावा प्लैनेट क्या है, प्लैनेट का वर्ड मीनिंग क्या है, अंग्रेजी में प्लैनेट का वर्ड मीनिंग इसमें घूमने वाला बताया गया है। ठीक है, इसके बाद सूर्य के बारे में एक्सप्लेनेशन दी हुई है, सूर्य क्या है, सूर्य एक तारा है, आपको पता है पृथ्वी से लगभग 10 लाख गुना बड़ा है और इसकी डिस्टेंस कितनी है, दूरी कितनी है, तो इसकी डिस्टेंस 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है ये। और प्रकाश की गति क्या है आने की, तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की गति से प्रकाश आती है, फिर भी ये सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है। ठीक है, इसके बाद सौर मंडल के बारे में बताया गया है, सौर मंडल क्या है, कितने प्लैनेट हैं उसमें, क्या सेंटर में है, कितने उसके सैटेलाइट्स हैं, कौन सी बेल्ट है, क्षुद्र ग्रह, छोटी छोटी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो जैसे कि हमने क्या बताया, सौर मंडल के बारे में बताया गया, तो सौर मंडल का सेंटर में क्या होता है, सेंटर में तो सूर्य होता है, सूर्य के बाद से सारे 8 ग्रह होते हैं। प्लूटो को तो ग्रह की कैटेगरी से एक्सक्लूड कर दिया गया है 2006 में ही, बट ये ओल्ड एनसीईआरटी की बुक है, इसमें अभी भी 9 ही ग्रह दिए गए हैं। ओल्ड एनसीईआरटी क्यों पढ़ी जाती है, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, जो भी चीज़ें अपडेटेड है उसे आप अपडेट करते रहिए। इसमें 9 ग्रह दिए हैं फिर भी हम 8 ही ग्रह पढ़ेंगे। सौर मंडल में सबसे सेंटर में सूर्य होता है, उसके बाद हम सूर्य से दूरी के हिसाब से ग्रह को अरेंज करेंगे। दूसरे नंबर पे सूर्य के सबसे पास होता है बुध ग्रह, फिर शुक्र आता है, फिर जाके तीसरे नंबर पे हमारी पृथ्वी आती है, चौथे पे हम मंगल आता है, पांचवे पे क्या आता है, एस्टेरॉयड बेल्ट आता है, मंगल और बृहस्पति के बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट होता है, जिसको कि हम हिंदी में क्षुद्र ग्रह कहते हैं, क्षुद्र ग्रह बेल्ट कहते हैं। और एस्टेरॉयड बेल्ट के बाद बृहस्पति आता है, बृहस्पति के बाद शनि आता है, और शनि के बाद यूरेनस आता है, और देन नेपच्यून आता है, और लास्ट में प्लूटो आता है। तो प्लूटो निकल चुका है ग्रह की कैटेगरी में से, प्लूटो के बाद हमारा कुइपर बेल्ट आता है, कुइपर बेल्ट। बहुत सारे IAU आपने नाम सुना होगा, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, इसने 5 ड्वार्फ प्लैनेट को भी रिकॉग्नाइज किया है, अभी मैं उनके नाम बताऊंगी। ठीक है, अभी इसके बारे में हमने तो ग्रहों के बारे में क्रम तो पढ़ लिया इसका, अब इसमें ये बताया गया है कि ग्रहों में जो शुक्र और यूरेनस ग्रह है, इसे छोड़कर अन्य सभी ग्रहों के घूर्णन और परिक्रमण एक ही दिशा में रहती हैं, मगर जो आपका शुक्र है और यूरेनस, इसकी दिशाएँ अलग होती हैं परिक्रमण की। ठीक है, बुध सबसे पास में है तो ये सबसे जल्दी परिक्रमा लगाएगा, ये 88 दिन में ही सूर्य का एक चक्कर लगा लेता है, और प्लूटो सबसे दूर है तो इसको परिक्रमा लगाने में 248 वर्ष लग जाते हैं, और हमारी पृथ्वी कितने दिनों में लगाती है, तो 365 दिन 6 घंटे में एक चक्कर सूर्य का पूरा करती है। और दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरे नंबर पर है और आकार में 5वें सबसे बड़ा ग्रह है। सैटेलाइट का मतलब दिया हुआ है इसमें, सैटेलाइट का मतलब होता है साथी या सहचर। ठीक है, बुध और शुक्र अभी हमने पढ़ा क्या, बुध और शुक्र को छोड़कर अन्य सभी ग्रहों के एक या अधिक
उपग्रह हैं, बुध के कोई उपग्रह नहीं है, नहीं तो शुक्र के हैं साबा, और इनके अलावा सारे ग्रहों के उपग्रह हैं। उपग्रहों में भी अपना प्रकाश नहीं होता, शुरुआत में ही मैंने बताया उपग्रह में अपना प्रकाश नहीं होता, ये भी क्या करते हैं सूर्य के प्रकाश से ही चमकते हैं। चंद्रमा, अब चंद्रमा के बारे में दिया है, चंद्रमा का व्यास बताया गया है, चंद्रमा का व्यास जो है पृथ्वी के व्यास से लगभग 1/4 है, और पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है तो 384,000 किलोमीटर की दूरी पे चंद्रमा सिचुएटेड है। चंद्रमा पृथ्वी के परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में पूरा करती है, इतने ही समय में ये अपने एक्सिस पे रोटेट भी कर लेती है, यही कारण है कि हमें संविदेव चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है। चंद्रमा पे न तो जल है न ही वायु है, दिन में ये बहुत अधिक गर्म होता है, रात में बहुत अधिक ठंडा हो जाता है। इसके अलावा इसमें लाखों तारों के समूह को मंदाकिनी बताया गया है कि जो लाखों तारों का समूह होता है मंदाकिनी कहते हैं, और हमारी मंदाकिनी का नाम आकाशगंगा है, और इसमें सूर्य के सबसे निकटवर्ती तारे के बारे में बताया गया प्रोक्सिमा सेंटोरी, जिसका कि प्रकाश सूर्य पृथ्वी तक पहुंचने में 4 वर्ष लग जाते हैं। इसके अलावा भी ढेरों तारे हैं काफ़ी दूरी पे जिनके प्रकाश पहुंचने में बहुत समय लगते हैं, लाखों लाखों वर्ष लगते हैं, कितने के प्रकाश तो अभी ब्रह्मांड में ही रास्ते में पड़े हुए हैं, अभी तक पृथ्वी पे नहीं पहुंच पाए। अब ये देखो ये प्लैनेट हैं सारे बनाए हुए, प्लैनेट्स के बारे में सारी चीज़ें हैं। आप देखो इसमें ये देखो ये आपका सन है बीच में, ठीक है, इसके पास में पड़ता है बुध ग्रह, फिर शुक्र पड़ता है, फिर पृथ्वी पड़ती है, फिर मंगल पड़ता है, ठीक है, ये मंगल है। मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या होता है क्षुद्र ग्रह होता है, एस्टोराइड बेल्ट इसे कहते हैं। इसके बाद आ जाता है बृहस्पति, देन आएगा शनि, इसके बाद यूरेनस आ जाएगा, देन नेपच्यून आएगा, और ये देखो ये जो है आपका कुइपर बेल्ट है, क्या है कुइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट है। अब देखो इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के बारे में बताया मैंने, ये क्या किया इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन रिकॉग्नाइज्ड 5 ड्वार्फ प्लैनेट, 5 वोने ग्रहों के बारे में मतलब ये पहचान किए हुए हैं। तो पहला बताया इसने सीरस, जो कि देखो एस्टोराइड बेल्ट में है सीरस, दूसरा इसने बताया है प्लूटो, प्लूटो को रिकॉग्नाइज किया है, तीसरा है मेकमेक को रिकॉग्नाइज किया है, आयरिस को किया है, और एक लास्ट है हाउमिया, हाउमिया, ठीक है, इन 5 ड्वार्फ प्लैनेट को IAU ने रिकॉग्नाइज किया है। इसके अलावा जो हमारे सोलर सिस्टम की एज है वो 4.6 बिलियन ईयर है, और अभी तक 6 मिशन लैंड हो चुके हैं ह्यूमंस के ऑन द मून पे। पहला जो मिशन था मून पे जो गया था वो अपोलो 11 था, जो कि जुलाई 1969 में गया था, जिसमें फर्स्ट मैन जो है जो चंद्रमा पे उतरे थे वो नील आर्मस्ट्रांग थे, और फर्स्ट भारतीय कौन था तो राकेश शर्मा जी थे, ठीक है। इंडिया ने भी अपना अक्टूबर 2008 में चंद्रयान फर्स्ट मिशन भेजा था, और फिर चंद्रयान 2 मिशन भी भेजा गया था, बट उसमें क्या हुई उसका ऑर्बिटर तो ठीक था मगर जो लैंडर और रोवर था वो क्रैश हो गया था, तो मिशन हाफ सक्सेसफुल बोलेंगे, हाफ तो डिस्ट्रॉय हो गया, तो कम्प्लीटली तो सक्सेसफुल नहीं कहा जा सकता है। दिस इज ऑल अबाउट दी आवर सोलर सिस्टम। ओके, थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।